हेलो एवरीवन, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। वैसे तो हर सिक्के का दो पहलू होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह लें या इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लें या डेवलपमेंट कह लें। ये सुन के काफ़ी अच्छा लगता है और हम लोग इस सिक्के का सिर्फ एक पहलू पे बात करते हैं, दूसरे पहलू पे हम बात नहीं करते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अगर आप बात करते हैं तो 1750 के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। यूँ तो हमारा जो काम करने है या जो हमारा एफिशिएंसी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया मशीन के मदद से, लेकिन उसके साथ ग्लोबल वार्मिंग भी है आज के डेट में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जिस तरीके से अभी फ़िलहाल उत्तराखंड या हिमाचल में लैंडस्लाइड हो रहे हैं, इसके जो इकोनॉमिक डैमेज है शायद ही दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट उसको एनालाइज करके उसका एग्जैक्ट फिगर को वो बता सके। जो मेंटल ट्रॉमा से जो वहाँ के लोग गुजर रहे हैं, शायद उस मेंटल ट्रॉमा को कोई भी इकोनॉमिस्ट उसको उसके बारे में कभी बता नहीं सकते हैं। चाइना के लिए जो सबसे बड़ा आज के डेट में कंसर्न है वो वहाँ के एजिंग पॉपुलेशन है। एजिंग पॉपुलेशन है कहने का मतलब है कि बीते कुछ सालों से एक ट्रेंड देखा गया है चाइना में, जहाँ पे जो जनरेशन है, जो नए जनरेशन है, जिनका जो 20 से 30 साल के एज ग्रुप में या इनफैक्ट जो 35 के एज ग्रुप में पहुँच चुके हैं अब तक, वो लोग शादी नहीं करना चाह रहे। उसके पीछे का रीज़न है चाइना में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट के कारण जो रेंट है, जो अकोमोडेशन है, जो फूड है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। और ये चीज़ कोविड के बाद और भी देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद, कोविड के टाइम पीरियड पर दुनिया को ये मालूम पड़ा था कि किस तरीके से वो चाइना पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको खुद के देश में करना चाहती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। लेकिन अगर आप चाइना के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो कहीं ना कहीं वो कम हो रहा है या क्लोज हो रहा है। उसके बाद क्या हो गया कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हो गया, तो उसके कारण भी जो सप्लाई चैन था वो डिसरप्ट हो गया। तो उसके कारण भी क्या हुआ कि जो डिमांड था वो डिमांड घट गया चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद क्या होता कि अगर आपके शहर में या तो किसी भी लोकेलिटी में या तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में अगर बहुत सारे अगर डेवलपमेंट हो जाते हैं तो वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दिल्ली गुड़गांव में रह रहे होंगे तो आपके सैलरी का तकरीबन 30 या 40% जो आपका पैसा है वो रेंट में ही निकल जाता है। तो अगर उस इंसान से बीट ऑफ बॉय या बीट ऑफ गर्ल अगर उससे कोई ये पूछता है शादी के बारे में तो वो इनकार करते हैं। वो इनकार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको शादी करने का मन नहीं करता, वो इनकार इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे बचते नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। तो उनके लिए ये सोचना कि एक फैमिली को चलाना, फिर आगे एक नया जनरेशन को पालना पोसना, फिर स्कूल वगैरह में एडमिशन करवाना, फिर उसके ज़िंदगी को संभालना, जो भी एक मतलब पेरेंट्स का जो एक जिम्मेदारी होता है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो उनका इनकम ही इतना नहीं होता है कि वो इन सब चीज़ों को सोच सके। उसके बाद से जो स्कूल के जो फीस वगैरह होते हैं, जो और भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होता है, उसके लिए जो पैसे हैं वो उतना वो पैसे कमा ही नहीं पाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि लोग आज के डेट में शादी से थोड़ा सा दूर भागना शुरू कर दिए हैं, इंडिपेंडेंट रहना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये तकरीबन दुनिया के सभी देशों में देखा गया है, खास करके जो आपके डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन है, मेजॉरिटी ऑफ जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर भी ये ट्रेंड देखा गया है। इंडिया में भी जो आपके बड़े बड़े शहर है, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पर भी देखे जा रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ चाइना के और भी कुछ रीजंस थे कि उनके वहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है वो कम क्यों हो गया। 1979 में चाइना एक पॉलिसी लेके आता है जिस पॉलिसी का नाम था वन चाइल्ड पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने क्या किया कि ज़बरदस्ती अपने लोगों को एक बच्चे ही करने के लिए वो प्रेरित किया या इनिशिएट किया, क्योंकि वो एक पॉलिसी था इसलिए वो मैंडेटरी था। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सालों में एक ऐसा ट्रेंड बन गया लोगों में कि वो एक बच्चे पे ही फिर वो डिपेंडेंट रहना शुरू कर दिए। उनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि वो सिर्फ एक बच्चे में ही सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद 2015 में गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने टू चाइल्ड पॉलिसी लेके आए। लेकिन आप समझिए इस चीज़ को कि बच्चे को प्रोड्यूस करना या एक फैमिली को शुरू करना, किसी फैक्ट्री में काम करना या किसी फैक्ट्री से कोई सामान प्रोड्यूस करना, दोनों इक्वल नहीं होता है। आप जब चाहें तब किसी को कहें कि आप एक बच्चा प्रोड्यूस करो, फिर कहो कि आप दो बच्चा प्रोड्यूस करो, तो ऐसा नहीं होता है। उसके कारण क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना है उसके ऊपर आज के डेट में काफ़ी बड़ा एक इकोनॉमिक स्ट्रेस पड़ गया है ऑलरेडी, और ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है। जो स्टडी कहती है वो ये कहते हैं कि तकरीबन 2050 तक चाइना का जो पॉपुलेशन है वो
37% पॉपुलेशन आपके ओल्ड एज पॉपुलेशन हो जाएगा, यानी कि जो जिनका एज जो है वो 60 से ऊपर हो जाएगा, जिसको कि हम कहते हैं सीनियर सिटीजन। तो इसके कारण भी क्या है कि जो चाइना का जो डेमोग्राफी है उसमें काफ़ी आपके बदलाव, काफ़ी हेर फेर दिखेंगे। एक और आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप ले कर समझें कि एक 20 साल का जो लेबर या जो वर्क फोर्स है वो जैसा काम कर सकता है वैसा एक 40 साल का लेबर फोर्स नहीं कर सकता है। इसके कारण भी क्या होगा कि जो चाइना की जो इकॉनमी है उसमें काफ़ी एक स्टीप डिक्लाइन देखा जाएगा, क्योंकि आपके पास जो गैप है उस गैप को भरने के लिए आपके पास कोई वर्क फोर्स नहीं आ रहा। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ जो चाइना में जो ओल्ड एज लोग हैं या जो सीनियर सिटीजन है वो डिपेंडेंट है आपके चाइना के पेंशन पॉलिसी पे। जो चाइना का जो पेंशन डिपार्टमेंट है या जो पेंशन यूनिट है उसके पास 2035 तक जो फंड है वो फंड ही ख़त्म हो जाएंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आप कहीं पे अगर आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपके पास कहीं से पैसे आते हैं तब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जो इनका एस्टिमेट है, जो इनका स्टडी कहता है कि इनके जो फंड में पैसे आएंगे ही नहीं तो वो पैसा फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। रिसेंटली बीते 7-8 सालों में ऐसा देखा गया है कि जो फैमिली है वो पेंशन पर डिपेंडेंट होना शुरू हो गया। मतलब आप ये समझ सकते हो कि आज भी जो भारत में है, अगर किसी फैमिली में अगर कोई पेंशन पे अगर कोई यंगस्टर पल रहा है तो हम उस चीज़ को काफ़ी नेगेटिव तरीके से देखते हैं। एग्जैक्टली ये सब ट्रेंड जो है वो आपके चाइना में शुरू हो गया कि जहाँ पे जो मेन एक्सपेंसेस है वो पेंशनर के पैसे से मैनेज किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ चाइना काफ़ी कंसर्न है, उनका ये है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को, ये जो लो फर्टिलिटी रेट है उसको किस तरीके से उसे काउंटर कर सके या किया जा सके। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरीके से ये एजिंग पॉपुलेशन है, चाइना के लिए इसको संभालना और इससे पार पाना काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद कुछ ऐसे और देश है जहाँ पे ये जो एजिंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी कंसर्न है। फॉर एग्जांपल आपका जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, सिंगापुर है। जब हम साउथ कोरिया या ताइवान या सिंगापुर को जब हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पे या टीवी में देखते हैं तो उनके हम सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देखते हैं, बट हम ये नहीं सोचते हैं ना कि उसके जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं उस बिल्डिंग को मेंटेन करने का भी एक कॉस्ट है। सपोज़ करें कि आप किसी स्टेट में रहते हो और वहाँ पे खूब सारे फैक्ट्रीज़ हैं, तो कितनी बार क्या होता है ना कि डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाता है, क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहा है, वैसे तकरीबन बहुत सारे और भी देश शुरू कर दिए हैं, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट करवा दिए हैं। उसके कारण क्या हुआ कि जो फैक्ट्रीज़ जो थे चाइना में वो प्रोड्यूस करना बंद कर दी क्योंकि डिमांड कम हो गया है। तो उस फैक्ट्री को रन करने का भी एक अपना कॉस्ट होता है, एक रेवेन्यू कॉस्ट होता है। तो वो रेवेन्यू कॉस्ट जब तक उस कंपनी के पास नहीं आएगा तो वो अपने लोगों को फिर फर्दर पेमेंट कहाँ से करेगा। तो ऐसे बहुत सारे कंसर्न है जो चाइना गवर्नमेंट के सामने अभी फ़िलहाल दिख रहा है, उसमें से एक जो सबसे बड़ा है वो एजिंग है। आई होप कि मैं इस वीडियो में कुछ पॉजिटिव समझा पाया हूँ। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ ईमेल मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।